अडाला आईमैक्स इलाके के महाड़ा कॉलोनी बिल्डिंग नंबर 6 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय कामगार संगठन के उपाध्यक्ष यूसुफ बाबा के नेतृत्व में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने मुफ्त में प्री मेडिकल चेकअप करवाया व कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया। स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए देश सेवा की भावना लेकर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप में आने वाले रोगियों की जांच के लिए करीब आधा दर्जन चिकित्सक मौजूद थे। उन्होंने रोगियों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए चिकित्सकों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार मौसम बदलने के कारण होने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विभाग प्रमुख व नगर सेवक मंगेश साटमकर, नगर सेवक रामदास कांबले, भारतीय कामगार संगठन के महाराष्ट्र अध्यक्ष साजिद खान, शाखा प्रमुख धनंजय कदम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गनी भाई, आमिर शेख, मनोज वाघमारे, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सलीम शेख, आयोजक मुंबई उपाध्यक्ष यूसुफ बाबा, राकेश देवकर, जाकिर भाई आदि मान्यवर मौजूद रहे। असल में आज का दिन ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि आज देश को स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्र दिन है, रक्षाबंधन है, ये सब त्यौहार भी आ जाओ, उस माध्यम से हमारी जो भारतीय कामगार संगठन है, ये तो हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ त्यौहार हो या ऐसे कोई ज़रूरत जब होती है तब ऐसे प्रोग्राम जो उपक्रम है ये उपक्रम का आयोजन करते। आज देखिए कि ये भारतीय कामगार संगठन के माध्यम से यहाँ पे मेडिकल कैंप है, उसके बाद में ब्लड डोनेशन कैंप है, ये सब है। ये शिवसेना ने ये शुरू में ऐसे सीख दिए ना कि ये सब का सामाजिक काम है, और हम लोग हमेशा जहाँ पे भी जाते हैं तब हम लोग हमेशा इसका उल्लेख करते हैं, जो बाला साहब ने हम लोग को जो सीख दी है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, तो ये समाजकारण का एक भाग है कि यहाँ पे हमेशा, वैसे इसके कुछ दिन पहले भी यहाँ पे प्रोग्राम था, ये भारतीय कामगार संगठन के माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं, जो लोगों को जिसकी ज़रूरत है, अभी किसी को खून की ज़रूरत है तो ये संगठन के माध्यम से जितने भी बॉटल आज हम लोग जमा करेंगे तो यहाँ के लोगों को उसकी उसका फ़ायदा होगा। और ऐसे जो मेडिकल कैंप होते हैं, जैसे देखिए कि अंदर मुफ्त चश्मा शिविर में थोड़ा सा पैसा लेके भी यहाँ पे ये शिविर का आयोजन होता है, और इसलिए इस संगठन के अध्यक्ष और इनके सभी हमारे कार्यकर्ता, उनको मैं दिल से सबको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे काम में हमेशा ये संगठन अपने शिवसेनाओं को साथ में लेके चलती है, और ऐसे बहुत बहुउद्देश्य जो लोगों को जिसकी ज़रूरत पड़ती है ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे हमेशा होती है। मैं शिवसेना के माध्यम से हमारे संगठन के अध्यक्ष और उनके सभी पदाधिकारियों को दिल से उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि आज आपने 15 अगस्त आज का शुभ दिन माना जाता है, कि आज के दिन में देखिए पूरे मुंबई महाराष्ट्र देश भर में एक उत्साही वातावरण है, जो कुछ दिन पहले हमारे केंद्र शासन, हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने जो डिसीजन लिया कश्मीर के बारे में, तो उसके लिए भी लोगों के मन में बहुत ही उत्साह है। और इस साल का जो अभी का ये जो इंडिपेंडेंस डे है उसमें बहुत लोग यहाँ पे इस देश के लोगों की बहुत खुशी है, और खुशी उनके चेहरे पर पता चलती है, और इसलिए आज के शुभ दिन के माध्यम से मैं सभी इस कामगार संगठन के सभी पदाधिकारियों को मन से उनको शुभेच्छा देता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम हमेशा अपने इस क्षेत्र में होते रहे और लोगों को इसका फायदा हो, यही शुभकामना है। शिविर और मेडिकल कैंप रखा है जो भारतीय कामगार संगठन की तरफ से, बहुत अच्छा बात है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं सब लोगों को एक अल्प बोलते हम लोग चश्मा है वो अल्प में अमाउंट में मिल रहा है, और डॉक्टर बॉडी चेकअप है यहाँ पे, जो ब्लड डोनेशन का रखा है, अपने मालूम है कि जहाँ पर खून की कमी होती है वहाँ पे शिवसेना आगे आती है, इसमें का एक हिस्सा है, यहाँ पे जो भी ब्लड दिया जाएगा तो जिसको जरूरत गिरेगी वहाँ से मिलेगा, इसलिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ मेरे तरफ से। जय हिंद जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे विभाग प्रमुख साहब का, सातमकर साहब का, जो उन्होंने अपने कीमती टाइम निकाल के इधर आए। और ये ब्लड का जो शिवसेना की परंपरा है, सबसे ज़्यादा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है, 40,000 उद्धव साहब के बर्थडे के टाइम से 40,000 ब्लड डोनेट किया जाता है। ये कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था इतना काम नहीं कर सकती है। वैसी एक छोटी सी शुरुआत हम लोग ने की है उनको देखते हुए, और साहब का आशीर्वाद रहा, हम लोग हर तरीके से हर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, बस ये बोलना चाहूँगा। थैंक यू। ऐसा है कि पहली बात तो क्या, इधर पर कोई माहौल नहीं था, समझे ना, तो हमारी भारतीय कामगार संगठन
तो हम लोगों ने बैठ के मतलब एक फैसला लिया है कि भाई इधर पे ज़्यादा करके गरीब तबके के लोग ज़्यादा है, तो हम लोग का ये फैसला हुआ है कि हमारे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है साजिद खान साहब और हम लोग सब मिल के फैसला लिया कि यहाँ पे एक मतलब गरीबों के लिए एक ब्लड महाराष्ट्र अध्यक्ष साजिद खान साहब, तो उन्होंने सब फैसला लिया कि भाई यहाँ गरीबों के लिए मतलब कुछ एक फैसिलिटी दिए जाए, तो इसलिए हम लोग ने मेडिकल कैंप लिए और ब्लड डोनेट का हम लोग ने लिया है और बाकी जो भी मतलब है चश्मा वगैरह का ऐसा वगैरह, और राष्ट्र अध्यक्ष से भी हमारी मतलब जो तो बात हुई, उन्होंने भी मतलब जो अनुमति दी है कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तो इसीलिए मतलब ये कैंप यहाँ पे लिया गया है और हमारी पूरी टीम भारतीय ग्राम कांग्रेस सेना की यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और हम लोग पूरी तरह से मतलब जो तो सेवा के लिए मतलब तैयार है। अभी जो है फिलहाल कम से कम 20 से 25 लोग मतलब जो तो ब्लड डोनेट कर चुके हैं और 10-15 से 16 जन लोग जो है तो शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ये सब मतलब जो तो चेकअप हो चुका है और आँख का भी मतलब जो तो हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब जो तो हमारे को यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला है और लोग मतलब जो तो बहुत काफ़ी तादाद में लोग इधर पर आए और हमारे को मतलब जो तो कॉपरेट किए। यहाँ पे हमने शिवसेना और भारतीय कामगार संगठन की तरफ से ब्लड कैंप और मेडिकल कैंप का आयोजन किया है बाबा भाई ने, और ख़ासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गायकवाड़ साहब और हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष साजिद भाई, हमारा खासकर यही काम रहता है जो शिवसेना में बोला जाता है 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। तो जब भी हम साजिद भाई के साथ या गायकवाड़ साहब के साथ बैठते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि कैसे न कैसे कुछ ना कुछ समाज सेवा करते रहे। और जब से बाबा भाई ने यहाँ पे ऑफिस खुला है, यहाँ पे जो लोकल लोगों को बहुत तकलीफ थी, जैसे यहाँ पे आप कभी हॉस्पिटल का मसला हो या कुछ बच्चों का एडमिशन का मसला हो या BST का कुछ भी मसला हो, तो यहाँ पे हमेशा कुछ भी होता था। आज ऐसा है कि लोग यहाँ पे आ रहे और ये हमारे ऑफिस में आके अपनी प्रॉब्लम बताते और बाबा भाई उसको बहुत अच्छी तरह से, और जो भी होता हमसे भी जितना होता है हम अपनी तरह से बहुत अच्छे से करते हैं सब काम। इंशाल्लाह हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहीं पे नहीं जैसे मुंबई और महाराष्ट्र में भी जहाँ जहाँ मेरे हमारे अध्यक्ष हमको बोलेंगे वहाँ वहाँ जाके हमसे जितना हो सकता हम सब मिल के वो काम करेंगे, उनका जितना सपोर्ट हो सकता उतना करेंगे। और बस यही कहना चाहता हूँ, शिवसेना और भारतीय कामगार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गायकवाड़ साहब, महाराष्ट्र के अध्यक्ष साजिद भाई, इनके मार्गदर्शन के नीचे हमारे यूसुफ भाई हैं, उन्होंने कार्यक्रम लिया, इनके लिए उनको शुभेच्छा देता हूँ और कार्यक्रम अच्छी तरह से चालू है, बहुत लोग बसी साथ दे रहे हैं, इसकी वजह से शुभेच्छा देता हूँ उनको। पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से जितने हमारे भारतीय कामगार संगठन आए और जितने जो ब्लड के लिए आए हुए लोग हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं हमारे साजिद भाई, साजिद खान साहब महाराष्ट्र अध्यक्ष और अशोक गायकवाड़ साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से ये सब काम चला है डोनेट का। और हमारे महाराष्ट्र के सचिव है, उपाध्यक्ष है, वो भी टीम में बहुत सक्षम है और अपना अपने साजिद भाई जो अध्यक्ष हैं उनके आशीर्वाद से पूरा काम चालू रखे हुए। और इसमें और हमारे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए साटमकर विभाग प्रमुख साटमकर साहब आए, साजिद भाई से मुलाकात भी उनकी और उन्होंने कहा है कि आप साजिद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम चल रहा है, शिवसेना को लेके जो शिवसेना कामगार सेना संगठन है वो ज़्यादा ऊपर तक के माशाल्लाह जा रही है, वो भी हमारे साजिद भाई खान साहब के माध्यम से, तो उन्होंने हमको बहुत बहुत मुबारकबाद दी। और हमारे यूसुफ भाई है, हमारे जाकिर साहब आए मुंबई उपाध्यक्ष, वो भी कामगार सेना के संगठन है, मतलब हमारे जितने कार्यकर्ता है जितने वरिष्ठ है सब यहीं आए हुए हैं और यूसुफ भाई को शुभकामना दे रहे हैं। यूसुफ भाई की ये कार्य है, यहीं से माशाल्लाह यहाँ से सबका काम चालू होता है और सबको मैं जितने रक्षाबंधन सबको शुभकामना देता हो और सबका शुभिक्षा कर। आज के जो कार्यक्रम किए 15 अगस्त के लिए हमारा इंडिपेंडेंस डे के लिए, और जिसके मौके पे हम लोग ने यहाँ पे हमारे यूसुफ भाई जो भारतीय कामगार संगठन की ऑफिस भी है, यहाँ पे कार्यालय भी है, उसके माध्यम से यहाँ पे मेडिकल कैंप चालू किया गया हुआ है और इसमें ब्लड डोनेट मेडिकल और वगैरह जो भी है डायबिटीज़ है जो भी है उनके लिए, और काफ़ी अच्छी पब्लिक आ चुकी है यहाँ पे, और दूसरी चश्मा वगैरह भी जो है आप लोग ने करवाए यहाँ पे पब्लिक के लिए। और आज के दिन में ये सब प्रोग्राम रखे हैं हम लोग ने 15 अगस्त के दिवक के, लोगों को हॉलीडे भी होती है, छुट्टी भी होती है, लोग अपना जो भी हो अपना कारोबार छोड़ के भी बंद होता है तो वो हिसाब से यहाँ पे लेके आए हुए, तो इस चीज़ के लिए हम हमारे यूसुफ भाई को धन्यवाद करते हैं जो भारतीय कामगार संगठन के अच्छे मजबूत कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और ये काम करते रहते हैं। और यहाँ पे हमारे भारतीय कामगार संगठन की जो है यहाँ पे थी नहीं थी, तो उनने अपने खुद की ऑफिस भी खोले, कार्यालय खोले, और ये बहुत अच्छा है कि यहाँ के लोगों को आवाम के लिए काम के लिए आसानी हो चुकी है।